चौक के जामपुर दरवाजे है। ये मस्जिद लाहौर बादशाही मस्जिद के नक्शे पे बनाई गई है और इसका नक्शा तकरीबन लाहौर की बादशाही मस्जिद के मुताबिक ही बनाया गया है। हम इस वक्त बादशाही मस्जिद के गेट पर मौजूद है और इसका जो गेट है ये भी बादशाही मस्जिद के नक्शे के मुताबिक बनाया गया है। आज हम आपको शाही मस्जिद का अंदरूनी विजिट भी करवाएंगे। आइए आपको शाही मस्जिद का रिव्यू करवाते हैं। हम शाही मस्जिद के सहन में मौजूद हैं। इस सहन में तकरीबन 1000 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है। इसकी दीवारें, इसकी ईंटें, तमाम चीजें इसकी बादशाही मस्जिद के मुताबिक बनाई गई हैं। जैसा बादशाही मस्जिद का नक्शा रखा गया है वैसा नक्शा ही इस मस्जिद का रखा गया है। ये मस्जिद तकरीबन उसी का व्यू दे रही है। इसको हम मिनी बादशाही मस्जिद भी कह सकते हैं। ये आगे चल के इस मस्जिद का रिव्यू करते हैं। हम शाही मस्जिद की बैरूनी दीवार के साथ खड़े हैं। इस दीवार को आप देख सकते हैं, सारी की सारी दीवार ही बादशाही मस्जिद के डिजाइन पे बनाई गई है। जैसे बादशाही मस्जिद की बैरूनी दीवारों का डिजाइन है वैसे ही इस दीवार का डिजाइन है। इवन इसकी ईंटें भी बादशाही मस्जिद की ईंटों की तरह ही बनाई गई है। जैसे उनका डिजाइन है वैसे ही ईंटों का डिजाइन। दीवार का डिजाइन चारों तरफ सेम ही है। जैसे बादशाही मस्जिद लाहौर में चारों तरफ दीवार का डिजाइन सेम है वैसे ही शाही मस्जिद जामपुर में भी दीवारों का डिजाइन सेम है। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूं। हम वजू करने वाले काबे के सामने खड़े हैं। यहाँ पर लोग आके वजू करते हैं और वजू करने के बाद अपनी नमाजें अदा करते हैं। इसको छोटा बनाया गया है लेकिन ये भी बादशाही मस्जिद के डिजाइन के मुताबिक ही बनाया गया है। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। हम मस्जिद के अंदरूनी से मौजूद हैं और इस वक्त हम मस्जिद के सहन में बरामदे के बाहर है। आप बरामदे के बाहर भी देख सकते हैं कि इस ईंटों का डिजाइन और इसके तमाम डिजाइन सेम है और ये ईंटें बादशाही मस्जिद के ईंटों की तरह ही दिखाई दे रही हैं और इसका डिजाइन भी बादशाही मस्जिद की तरह ही है और इस बरामदे का डिजाइन भी बादशाही मस्जिद की तरह ही। आप ये जो मार्बल देख रहे हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, ये मार्बल बाहर से मंगवाया गया और ये बहुत ही कीमती है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये बाहर से ही मंगवाया गया। मुस्तफा के इश्क में हजरत बिलाल, या नबी या मुस्तफा के तेरे बिलाल हबशी, या नबी या मुस्तफा के तेरे। मस्जिद के बरामदे में मौजूद है। इस बरामदे का डिजाइन भी तकरीबन जैसे बाहर का डिजाइन है मस्जिद में। जैसे बाहर दीवारें लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है वैसे सेम ही है। यहाँ पर भी सहन की तरह ही ईंटें लगी हुई है। जैसे सहन की दीवारें हैं वैसे इस बरामदे की दीवारें हैं। अभी इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन इसकी कम्प्लीट नहीं हो गई। अगर जब इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाएगी ये मस्जिद खूबसूरत हो जाएगी और ये और ज्यादा बादशाही मस्जिद का अर्थ देने लग जाएगी। इस मस्जिद की छत अभी इनकम्प्लीट है इसलिए हम ये छत बादशाही मस्जिद की तरह अभी नहीं दिखाई दे रही। ये बरामदे में मौजूद मेन हॉल का दरवाजा है। इस तरह से बाकी दरवाजे भी हैं, तकरीबन चार दरवाजे हैं इस तरह से। ये लकड़ी से बने हुए हैं, ये अभी इनकम्प्लीट है। हॉल के तकरीबन तमाम दरवाजों का डिजाइन सेम ही रखा गया है। ये बिलाली चले मस्जिद के हाल का रिव्यू कर लेते हैं। मस्जिद के हॉल में मौजूद है। इस मस्जिद में एक ही हॉल बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर रकबा बहुत छोटा था, थोड़े रकबे में मस्जिद बना रही। इस हॉल के डिजाइन में एडिशन की गई है। इस हॉल में तकरीबन 300 से 400 बंदों की नमाज पढ़ने की जगह है। आइए आप मस्जिद में ये इमाम साहब के लिए हुजरा टाइप बनाया गया है जहाँ पर इमाम साहब आके नमाज पढ़ाते हैं और इमामत करते हैं। हुजरे का डिजाइन बाकी हाल से थोड़ा तब्दील किया गया ताकि ये इमाम साहब के लिए ही सिर्फ मुख्तस किया जा सके। इसके अलावा मस्जिद में तालिबे इल्मों के लिए भी जगह है, उनके लिए भी कमरे बनाए गए हैं। तालिबे इल्म वहाँ पर आके कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसके बाद रात को उधर ही रिहाइश पजीर होते हैं। तू कुजा मन कुजा। इसके साथ ही हमारे वीडियो का इख्तिताम होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें और हमारे पेज को भी लाइक कर दें। ए नूरे खुदा।